हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर 2021। ये 2021 का साल जो हमारा स्टार्ट हुआ है, उम्मीद करता हूं आप सभी के लिए फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा लकी रहे। सभी के लिए फ्रेंड्स ये जो 2021 का साल है वो इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और हेल्थ वाइज बहुत ही अच्छा जाए, क्योंकि जो 2020 का साल था वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफिक था, हॉरिबल साल था। क्योंकि फ्रेंड्स 2020 में कोरोना वायरस की वजह से हम सबको बहुत ही ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली और हेल्थ वाइज बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ हुई। तो 2021 के साल में सब अच्छा होगा, यही हमें एक्सपेक्टेशंस रखनी है। और जैसे फ्रेंड्स हम एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, जैसे हम उम्मीद रखेंगे, वही चीज़ हमारी पॉसिबल होगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो भी फ्रेंड्स हमारे 2021 और 2020 के कंपेरिज़न की होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरा जो गार्डन है वो मेरा गार्डन 2020 में, यानी कि 1 जनवरी 2020 के दिन मेरे गार्डन का लुक कैसा था, और अभी 2021 यानी कि 1 जनवरी 2021 के दिन मेरे गार्डन का लुक अभी कैसा है, तो दोनों चीज़ का कंपैरिजन करूँगा। क्योंकि ये एक साल में फ्रेंड्स मैंने अपने गार्डन में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। और लास्ट ईयर फ्रेंड्स मेरे यहाँ मंकीज़ ने बहुत ही ज़्यादा टेरिफिक, बहुत ही ज़्यादा परेशानी मुझे दी थी। पहले मेरे यहाँ मंकीज़ इतनी परेशानी नहीं देते थे, लेकिन लास्ट ईयर जो उन्होंने इतनी प्रॉब्लम मुझे दी है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स मेरे बहुत सारे रोजेस भी डैमेज हो चुके हैं, बहुत सारे मेरे हाइबिस्कस को प्रॉब्लम उठानी पड़ी, 2 बार फ्रेंड्स मेरे अच्छे खासे ग्रो हुए कोलियस को उन्होंने डैमेज कर लिया था। तो बहुत सारी दिक्कतों का फेस किया था। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने ये नेट वगैरह लगाई, और ये नेट लगाने के बाद फ्रेंड्स मैं बंदरों से बहुत बहुत ज़्यादा हद तक फ्रेंड्स मैं बच चुका हूँ। क्योंकि जो बड़े बड़े बंदर रहते हैं वो मेरे गार्डन में एंटर नहीं हो पाते, जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो मेरे गार्डन में एंटर होके मेरे प्लांट्स को ख़राब करते हैं अभी भी। लेकिन उसके लिए भी फ्रेंड्स ये जो साल है मेरा, जो 2021 का साल है, 2021 के साल में भी फ्रेंड्स मैं बहुत सारे कुछ ऐसे चेंजेस करूंगा जिसकी वजह से बंदर मेरे गार्डन में अंदर नहीं आए और मेरे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हो सके, अच्छी और हेल्दी ग्रोथ हो सके। सिर्फ मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा कि लास्ट ईयर मेरे प्लांट्स की कंडीशन कैसी थी, अभी मेरे जो प्लांट्स की कंडीशन कैसी है। तो मैं आपको पिक्स बताऊंगा, तो वो पिक्स देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक साल के दरमियान हमारे प्लांट्स ने कितनी ग्रोथ की है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। Thank you.
जैसे कि फ्रेंड्स आपने देखा, मैंने कुछ मेरे जो प्लांट्स है, जो पुराने प्लांट्स है, उसकी पिक्स फ्रेंड्स मैंने आपके साथ शेयर की है। जैसे कि फ्रेंड्स मेरे हाइबिस्कस वगैरह, ये बहुत ही ज़्यादा पुराने प्लांट है मेरे पास, और ये प्लांट की कंडीशन अभी कैसी है। तो ये सारे जो प्लांट्स हैं फ्रेंड्स, वो लास्ट ईयर और ये साल में उन प्लांट्स में कुछ डेवलपमेंट मुझे दिख रही है। प्लांट की ग्रोथ अच्छी लग रही है, गार्डन पहले से बहुत ही ज़्यादा हरा भरा हो चुका है, और यही चीज़ फ्रेंड्स मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। क्योंकि फ्रेंड्स अगर मैं अपने गार्डन को बंदर से बचाऊंगा तो बाद में मेरे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। और जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको मेरे रोजेस दिखा है, तो रोजेस की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि ये साल मेरे या बंदर मेरे रोजेस को डैमेज नहीं करे, और नेक्स्ट ईयर यानी कि नेक्स्ट विंटर्स तक फ्रेंड्स ये जो मेरे रोजेज़ हैं वो और अपनी ग्रोथ बढ़ा लें, और नेक्स्ट ईयर तक ये बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग्स मुझे दे सकेंगे। अभी ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये जून जुलाई महीने के छोटे छोटे पौधे हैं, तो 6-7 महीने की ग्रोथ है इनकी। लेकिन फ्रेंड्स आगे चल के ये जो प्लांट है ये और ज़्यादा डेवलप होंगे, अप टू मार्च अप्रैल तक फ्रेंड्स इनकी ग्रोथ और ज़्यादा हो जाएगी, और नेक्स्ट ईयर तक फ्रेंड्स मेरे रोजेज़ के ऊपर भी आप बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट देख सकोगे। और ये और फ्रेंड्स फाइनली मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आप गार्डनिंग करते हो तो सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स पेशेंस की ज़रूरत होती है। सालों निकल जाते हैं अगर आप एक प्लांट ग्रो करते हो, तो ऐसी उम्मीद मत रखिए कि ये जो प्लांट है एकदम से मुझे बहुत सारे फ्लावरिंग्स दे देगा और बहुत ही ज़्यादा बुशी बन जाएगा। एक प्लांट को फ्रेंड्स ग्रोथ करने में कम से कम 2-3 साल लग जाते हैं। जैसे कि ये जो मेरा हाइबिस्कस देख रहे हो, ये 3 साल पुराना प्लांट है, अभी जाके ये मुझे बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स दे रहा है। तो ये जो चीज़ होती है ये थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत होती है गार्डनिंग में, तो ये पेशेंस रखिए। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो 2021 का साल है आपकी गार्डनिंग में सबसे बेस्ट साल निकले। आप अपने प्लांट्स को बहुत ही अच्छी तरह मेंटेन करिए, और अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ फ्रेंड्स प्लांट से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। इंस्टाग्राम का अकाउंट मेरा प्राइवेट रखा है मैंने, प्राइवेट इसलिए रखा है क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि जो भी प्लांट लवर्स है वही मुझे फॉलो करे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्लांट्स को तो मतलब देख के खुश हो जाते हैं, लेकिन जहाँ गार्डनिंग की बात आती है उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है। और अगर आपके अंदर पैशन हो, अगर आप वो मेहनत कर सकते हो तभी फ्रेंड्स आप गार्डनिंग कर सकते हो, अगर आपके अंदर पेशेंस है तभी आप गार्डनिंग कर सकते हो। तो मैं ऐसे लोगों को ही फ्रेंड्स मैं अपने लिस्ट में शामिल करना चाहता हूँ, जो मुझे फॉलो करे वो ऐसे लोग ही हो जो गार्डनिंग के लिए अपने अंदर का जो पेशेंस है वो मेंटेन रखे, और जो पैशन है वो मेंटेन रखे, ताकि फ्रेंड्स उनके यहाँ भी रिजल्ट अच्छा खासा मिल सके। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, मैसेज करिए, यूट्यूब पे कमेंट करिए। टिल देन के लिए हैप्पी न्यू ईयर, और ये 2021 का साल आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा निकले। थैंक यू फ्रेंड्स।